हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। सिरसा अम्बाला में से किसी एक सीट से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी मानी जा रही शैलजा इस बार लोकसभा चुनाव के समर में उतरने को लेकर अनिच्छुक हैं। उनकी इच्छा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की है। सिरसा के अलनाबाद हलके से कांग्रेस की जन संदेश रैली में शामिल होने पहुंची शैलजा ने कहा कि मैं बहुत लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हूं, इस बार मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। प्राथमिकता मैंने कहा कि बहुत से मैंने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, बाकी हाई कमांड ही फैसला करता है हमारा, पर इस बार मेरी इच्छा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश का ये हाल हो गया है कि सारा पैसा चंद हाथों में जा रहा है, लोग अपना निजी व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल इनकी पार्टी को मौका मिला है, लेकिन जमीन पर अगर जाएं तो असलियत कुछ और नजर आती है। जितनी शोषित आज के दिन देश की जनता है, इतना आपने कभी नहीं देखा होगा। देश आगे बढ़ रहा है तो किसके लिए? आप देखते हैं अडानी अंबानी जी जैसे लोगों का जो आज के दिन चल रहा है, सारा पैसा चंद हाथों में जा रहा है, जो अपना निजी व्यवसाय भी करना चाहें कोई कर नहीं पा रहा, नौकरियां मिल नहीं रही, बहुत सी बातें हैं। तो लोगों के बीच में आप जाएंगे तो उनका दुख दर्द समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता लोगों के बीच में जाना भूल चुके हैं। बता दें कि कुमारी शैलजा की गिनती हरियाणा और कांग्रेस के कद्दावर दलित नेताओं में होती है। यूपीए सरकार के दौरान सामाजिक न्याय और पर्यटन मंत्री रही शैलजा 2004 से 2014 तक अम्बाला आरक्षित सीट से सांसद रह चुकी हैं। इस बार भी उन्हें यहां से प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।